गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, है ना। तो कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन क्या है। जैसे ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये कोई कर्व जा रहा है, ठीक है, और ये इसके इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक होने के लिए जैसे सपोज x इज इक्वल टू ए पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए पर ब्रेक हो रहा है तो a के जस्ट बाद में जो वैल्यू होती है ये हमारा होता है x इज इक्वल टू ए प्लस, ए के जस्ट बाद का पॉइंट है ना। ये मैंने इतना गैप दिखा दिया, गैप नहीं होगा, बस लगा हुआ इसके लगा हुआ पॉइंट होगा यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा समझाने के लिए मैंने गैप बता दिया। तो ये जो पॉइंट होगा वो आपका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस कॉमा एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस इसका मतलब क्या होगा कि जैसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा क्या है फंक्शन है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जब हम पुट करेंगे तो वाई की जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर ए है तो ए प्लस है तो ए एफ ऑफ ए प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए के जस्ट पहले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके जस्ट पहले यहाँ पर आ गया तो ये हमारा क्या ए माइनस कॉमा एफ ऑफ ए माइनस, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट आपका ए माइनस है और ये तो ए माइनस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस है, ठीक है। तो ए प्लस का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस, इसका मतलब होता है ए प्लस एच, है ना। ए यहां पर एच क्या होता है, वेयर एच टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू, है ना। अभी मैं आपको वैल्यू के टर्म्स में इसे एक्सप्लेन करूंगा। और एक्स इज इक्वल टू अगर ए माइनस है तो ए माइनस क्या हो गया, ए माइनस एच, ए में से बहुत छोटी सी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, है ना, अगर मैंने x इज इक्वल टू टू ले लिया तो x इज इक्वल टू टू प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, टू में मैं बहुत छोटी सी वैल्यू जो जीरो के बराबर है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने ले लिया 2.00001, है ना, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि 2.001 क्या है, ये टू के जस्ट बाद है, ये टू है तो ये हो जाएगा 2.00001 और ये हो जाएगा 2 से जस्ट पहले, है ना। तो 2 से जस्ट पहले को मैं क्या लिखूंगा, 2 माइनस विच इज इक्वल टू 1.999999, 2 से जस्ट पहले वैल्यू, ठीक है। तो ये ए प्लस का मतलब हुआ, ये ए माइनस का मतलब हुआ, ठीक है। अब उनके करस्पॉन्डिंग अगर बाई की वैल्यू तीनों पॉइंटों पर, ये पॉइंट हो जाएगा ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंटों पर अगर यहाँ पर बाई की वैल्यू क्या डिफरेंट डिफरेंट है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, हाइट बाई की वैल्यू क्या होती है, हाइट, तो ए माइनस करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हाइट ज़्यादा है और यहाँ पर हाइट कम है, ठीक है। तो हाइट ज़्यादा है, हाइट कम है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इसको हम लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलते हैं, उस पॉइंट के लेफ्ट में वैल्यू। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लिखने का तरीका है ना, तो इसको हम ये भी लिखते हैं कि अगर मैं लिमिट को एच जीरो से प्लेस करूँ, एच इज इक्वल टू जीरो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पर x जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच से, ठीक है। कोई लिमिट अगर है, लिमिट को अगर हम जीरो कर रहे हैं तो a को x, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, यहाँ याद रखना, है ना। तो यहाँ से ये फंक्शन निकाल लेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू, राइट हैंड के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस एफ ऑफ एक्स, तो यहां पर हो गया। अब इसको जीरो करना है तो क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। और उस पॉइंट पर तो लिमिट एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना। तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इफ लिमिट एग्जिस्ट तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और उस राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट की लिमिट तीनों आपस में इक्वल होंगी। दैट मीन्स क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट ये एफ ऑफ ए माइनस हम निकाल रहे हैं, ये क्या है एफ ऑफ ए माइनस, ये क्या है एफ ऑफ ए प्लस, और ये क्या है मतलब ये दिस इज एफ ऑफ ए। ये तीनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल आ रही है, मतलब उस पॉइंट के जस्ट पहले बाई की वैल्यू, ये बाई की वैल्यू है 2 के जस्ट पहले, फॉर एन एग्जाम्पल इफ वी से दैट ए इज इक्वल टू 2, है ना। तो 2 के जस्ट पहले बाई की वैल्यू, 2 के जस्ट बाद में बाई की वैल्यू और 2 पर बाई की वैल्यू, तीनों पर अगर बाई की वैल्यू सेम आती है तो हमारी क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आई बात, है ना। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब इस तरह से फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। जैसे ये फंक्शन है, ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ये एक्स इज इक्वल टू ए है, है ना, और इसके जस्ट बाद में ये इसके इस ये एफ ऑफ ए, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस, एंड इसके जस्ट पहले एफ ऑफ ए माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर ब्रेक कर रहा होता फंक्शन, तो ब्रेक कर रहा होता या तो ऊपर से स्टार्ट होता या नीचे से स्टार्ट होता, तो आपको डिफरेंट वैल्यू, ये वैल्यू डिफरेंट मिलती, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए, जैसे आपने लिमिट क्लास 11th में पढ़ा था, लिमिट एग्जिस्ट करती है, है ना। आपने क्लास 11th में बस इतना चेक करा था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर लिमिट तीनों पर क्या इक्वल होगी, दैट मीन्स क्या हो गया, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूस चेक करने के लिए हमें लिमिट को चेक करना पड़ता है, दैट्स ऑल, ठीक। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन वो जरा देखिए, अगर आपको बोला जाए इवैल्यूएट, ऐसा एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 3 एंड x प्लस 5, ठीक है। इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि ये f ऑफ 2 भी इसमें होगा और f ऑफ एंड f ऑफ 2 माइनस, क्योंकि ये क्या है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 2 से जस्ट पहले ये x इज इक्वल टू 2 है, 2 से जस्ट पहले ये कोई इस तरह से लाइन थी, है ना, और 2 के जस्ट बाद में ये कुछ इस तरह से लाइन है, ये क्या है x इज इक्वल टू 2। तो ये जो लाइन की क्वेश्चन है, दिस इज 2x प्लस 3 एंड दिस इज x प्लस 5, ठीक है। 2x प्लस 3 एंड x प्लस 5 मैंने दोनों यहां पर सेम पॉइंट से स्टार्ट करे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट के लिए ये कहां तक है, लेस देन इक्वल टू 2 तक, ये जो कर्व है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस कर्व, कहां से कहां तक, ये जो कर्व जा रहा है ये कहां से कहां तक है, ये
कौन से रीजन में है? एक्स लेस देन इक्वल टू टू रीजन में है एंड दिस इज एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो लेस देन टू और ग्रेटर देन टू, तो इक्वालिटी है तो ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट भी मिलेगा और एफ ऑफ टू भी मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा आपको एफ ऑफ टू प्लस। ठीक है, टू के जस्ट बाद में ये वाला फंक्शन है और टू के जस्ट पहले ये वाला फंक्शन है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनको रीड करना कि इस तरह से कौन सा टू के पहले कौन सा है और टू के बाद में कौन सा है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू टू है ना, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ टू माइनस टू से जस्ट पहले, तो टू माइनस ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस और एफ ऑफ एक्स, यही तो वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू माइनस एंड एफ ऑफ एक्स, इसके लिए फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x plus 3। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई। अब अगर आपको जीरो कैलकुलेट करना है, जीरो के टर्म्स में h इज इक्वल टू जीरो के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी वैल्यू हम पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर चलिए जीरो के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, h स्टैंडिंग टू जीरो, तो x जो है वो किस में रिप्लेस हो जाता है, x जो रिप्लेस हो जाता है अगर मैं h स्टैंडिंग टू जीरो करता हूँ तो x जो है वो क्या हो जाता है 2 - h में रिप्लेस हो जाता है। x को हम रिप्लेस कर देते हैं 2 - h में, 11th क्लास में हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - h + 3। अब h इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 0 + 3 = 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 7 आ गई। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट तो लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फंक्शन कितना है लिमिट एक्स स्टैंडिंग टू टू प्लस एंड द वैल्यू एफ ऑफ एक्स किस क्या है इसके लिए एक्स प्लस फाइव। आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं लाइक 2 + 5, बहुत से केसेस में डायरेक्ट पुट नहीं हो पाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, इसीलिए वो एच के टर्म्स में ब्रेक करके करना पड़ता है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, बहुत, तो ये आपके कितना हो गया 7। तो यहाँ पर क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 7 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 2 है ना, एक्स इज इक्वल टू 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वैल्यू कितनी है 2, जिसकी वैल्यू 7 है। दैट मीन्स क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू 2 पर ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, दैट मीन्स हमारा क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो कुछ इस तरह से होता ये, और मान सपोज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर ब्रेक करती तो आपको उस 2 पर क्या जाता ग्राफ अलग अलग मिलता, यहाँ पर कंटिन्यूटी में मिला है ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वन मोर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये सभी को ग्राफ पता है, ये क्लास 11th में मैंने आपको बताया था एक्स एंड वाई। ठीक है, अब ये 1 है 2, 3, 4, 5, 0, -1, तो -1 से 0 में ये वैल्यू क्या होती है इस तरह से 0 से 1 में 0 होती है, तो y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस, 1 से 2 में 1 होता है। ठीक है, 2 से 3 में 2 होता है, ये सभी को मैंने बता चुका हूँ, 1
एंड दिस इज टू, थ्री से फोर में वैल्यू इज थ्री, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कोई जनरल इंटीग्रल वैल्यू पर, जैसे मुझे थ्री पर चेक करना है, थ्री पर, तो ये आपका हो गया चेक लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, है ना, मुझे लिमिट एक्स इज इक्वल टू थ्री पर चेक करना है, ठीक। तो ये चेक करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, लिमिट क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ थ्री माइनस एच, एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए माइनस एच से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहां रिप्लेस हो गया, तो वैल्यू, ठीक, तो आपका ये वैल्यू कितनी आ गई, तो एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ थ्री माइनस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे थ्री माइनस एच आ जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इंटीजर पार्ट थ्री माइनस एच, थ्री में से ये क्या है, एक तरह से थ्री माइनस एच का इंटीजर पार्ट, दैट मीन्स ये क्या हो गया 2.99999, इसका इंटीजर पार्ट कितना होगा, दिस इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो इसका इंटीजर पार्ट अगर मैं बात करूं तो टू है, तो लिमिट हमारी क्या हो गई, टू हो गई, एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री प्लस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ थ्री प्लस एच, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू क्या हो गई कि इंटीजर पार्ट लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यहां पर क्या होगा, थ्री प्लस एच एच, है ना। तो थ्री प्लस एच का मतलब क्या होगा, थ्री प्लस एच, एच एच क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, तो यहां पर मैं सपोज कर सकता हूं 3.000001, है ना, इसका इंटीजर पार्ट कितना है, थ्री है, तो यहां पर जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू थ्री। तो यहां पर देखिए थ्री के, ये मैंने आपको बोला कि ये थ्री है, ठीक है, तो थ्री के जस्ट पहले ये बाई इज इक्वल टू टू है, और थ्री के जस्ट बाद में ये बाई इज इक्वल टू थ्री है, तो वही है आपका टू है और थ्री है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो गया कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, टू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट थ्री, हेंस लिमिट डज नॉट नॉट एग्जिस्ट। तो यह फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, और इस तरह से एवरी इंटीग्रल पॉइंट पर यह फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस ही कहला जाएगा, क्योंकि एवरी इंटीग्रल वैल्यू पर यह चेंज हो जाता है, एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ जाता है एवरी इंटीग्रल वैल्यू पर, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ये निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले जो 11th क्लास में आपने लिमिट में कैलकुलेट करे हैं, लिमिट चैप्टर में, वो सारे के सारे यूज होने वाले हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए कि जैसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू लिमिट वन होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू वन होती है, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये वैल्यू वन होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये वैल्यू होती है लॉग ए, है ना। तो जितने भी आपको फॉर्मूले बताए गए थे, कौन सी 11th क्लास में, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, ये वैल्यू होती है ई, ये वो फॉर्म है वन की पावर इन्फिनिटी, है ना, ये वन की पावर इन्फिनिटी, ये भी आपको बताया गया था, ठीक है।
तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर यहाँ पर आपका क्या जाता है साइन लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन 5x/x है ना, तो आपको रिकॉल करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब तक नीचे जितनी वैल्यू ऊपर है उतनी नीचे नहीं होगी, वो वैल्यू लिमिट 1 नहीं होगी। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, अब ये लिमिट वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 × 5 = 5 लिमिट हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी 5x² होना चाहिए, तब लिमिट वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, अगर e^(3x²-1)/x² है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ठीक, जो वैल्यू यहाँ पर है वो सेम वैल्यू नीचे होनी चाहिए, तो 3x², तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1, अदरवाइज ये 1 नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप ये स्टैंडर्ड होती है, जो यहाँ पर वैल्यू है वो सेम वैल्यू नीचे होनी चाहिए, जो यहाँ पर है वो सेम नीचे होना चाहिए, जो यहाँ पर है वो सेम नीचे होना चाहिए, अदरवाइज आपकी लिमिट 1 नहीं होगी, ठीक है। इतना आपको बताया गया था, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और बताता हूँ कि किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, लाइक क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x)(0)(x≠0) and (x=0), ठीक है, एट x=0। x=0 पर मुझे इसकी क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ना। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अब ये क्या हो गया कि नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है f(a+b) इसी में है एंड f(a-b) इसी में ही है, ठीक है। जीरो पर चेक करनी, तो जीरो प्लस और जीरो माइनस इसमें ही होगा, है ना। जब जीरो नहीं है तो फंक्शन ये है, जब जीरो है तो फंक्शन वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो पे चेक करनी है f(x), तो जीरो माइनस के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस मॉड ऑफ x/x, ठीक है। अब वी नो दैट द मॉड ऑफ x क्या होता है, मॉड ऑफ x=x < 0 - x = 0। अब लेकिन हमारा क्या है, एक्स जीरो माइनस है, मतलब जीरो से पहले है ना, ओ सॉरी यहाँ पर गया, जीरो माइनस है जीरो से पहले, तो उसके लिए क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस माइनस ऑफ एक्स, इसकी मॉड ऑफ एक्स क्या हो जाता है, माइनस ऑफ x/x, तो ये वैल्यू हो गई -1, तो ये -1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, -1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x→0+f(x) है ना, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इसी में ही है और उस पॉइंट पर लिमिट ये है, ठीक है। जीरो पर ये है, जीरो प्लस पर और जीरो माइनस पर ये है, क्योंकि जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो गया कि लिमिट x→0+mod(x)/x, तो ये वैल्यू हो गई। अब जीरो प्लस व्हेन x > 0, तो ये मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो लिमिट x→0+x/x, तो ये कैंसिल आउट, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, -1, राइट हैंड लिमिट हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x=0।
तो x इज इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यूज आपको चेक करनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, हमें वो चेक करना है, ठीक है। तो इस पर ही वेस्ट क्वेश्चंस होंगे और असाइनमेंट होंगे जो आपको सेंड करा जाएगा, है ना, तो भी इस तरह से सॉल्व करना है।